बुलारे पंजाब के अंदर जो वक्ता या स्पीकर प्रोग्राम के अंदर बुलाए जाते हैं, जितने भी सामाजिक प्रोग्राम लगते हैं उसमें उनको पंजाबी में गुरमुखी में बुलारे बोलते हैं। तो ऐसा 3 बार का बुलारा मैं रहा हूँ, 4थी बार मैं गया था बुलारे में। तो ये प्रसंग मेरे लिए हमेशा एक कौतूहल का विषय रहता है, एक मिस्टीरियस रहता है कि बुलाने वाले जो बुलारों को बुलाते हैं वो क्या सोच कर बुलाते हैं और जो आयोजक होते हैं वो क्या सोच के कार्यक्रम को लगाते हैं। तो सबसे पहले बात बुलारों की करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे कार्यक्रम, अभी तो कोविड चला गया है, एक साथ लगने शुरू हो गए। 2 साल के रुके हुए कार्यक्रम हैं तो बाढ़ सी आ गई है। तो वक्ताओं की, बुलारों की, स्पीकर की कमी है, मारामारी है। तो बेसिकली जो पहले नंबर पे जो बुलारे हैं यानी जो स्पीकर हैं वो कैसे चूज किए जाते हैं, कैसे पसंद किए जाते हैं? आजकल यूट्यूब पर देखा जाता है कि कौन व्यक्ति कितना जोर जोर से चीख रहा है और कितना चीख चीख कर बता रहा है और कितना वो जो छोटी छोटी ऐसी घटना जो बहुत बेकार की समाज के लिए होती हैं, जैसे विरोध वाली, कि कितना वो विरोध में बोल रहा है। दरअसल विरोध वाले जो बुलारे होते हैं या स्पीकर होते हैं वो आयोजक की पहली पसंद है, जो बहुत तेज़ी से गाली गलौच भी करते हों, बहुत कड़े शब्दों में विरोध करते हों और जो सरकार को या सरकार के लोगों को कोसते हों और खुलेआम बोलते हों, दहाड़ते हों। ऐसे बुलारे इसलिए पसंद किए जाते हैं क्योंकि जो आयोजक है उसके मन में भी कहीं ना कहीं ये होता है कि इनके खिलाफ़ बोलना है और खूब अच्छी तरह से बोलना है, कोई बोल नहीं पा रहा है, और ये जो स्पीकर है ये बहुत बढ़िया बोलता है, इसको हमने यूट्यूब पर देखा है या कहीं हमने इसको सुना है, तो पहली पसंद वो होते हैं। और दूसरी पसंद वो होते हैं जिनके नाम के पीछे बहुत सारी डिग्रियां होती हैं या नाम के आगे कोई अलंकार होते हैं, बहुत ज़्यादा बुलाए जाते हैं, तो उनसे उनका मान सम्मान बढ़ता है। और तीसरे नंबर पर जो बुलारे होते हैं वो होते हैं जो उनके कोई पहचान वाला होता है, जिसको वो कोई मान सम्मान देना चाहते हैं या कोई उनसे पैसा लिया हो, यानी आयोजन करना है तो आयोजक के लिए पैसा भी चाहिए, तो कुछ पैसा दे के भी बुलारे यानी स्पीकर गेस्ट बन जाते हैं, जो वहाँ स्पीकर करते हैं, वक्ता होते हैं। तो ये एक ट्रेंड है समाज में, जो बेसिकली वक्ता को बुलाना चाहिए और जो वक्ता होना चाहिए वो कैसा वक्ता होना चाहिए उसकी कहीं कोई जिक्र नहीं, उसकी कोई कहीं ज़रूरत नहीं है, उसकी कोई कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। वो इसलिए है क्योंकि पब्लिक भी ऐसा ही चाहती है, वक्ता और आयोजक भी ऐसे लेके आते हैं। तो अच्छे बुलारे यानी अच्छे वक्ता, अच्छे स्पीकर कौन से होते हैं, इसको जानने के लिए ना तो उनके पास कोई पैमाना है, ना ही वो कोशिश करते हैं और ना ही उनकी आवश्यकता है। मगर आप ये जान लीजिए कि वक्ता कौन सा बुलाना चाहिए और कैसा बुलाना चाहिए। वैसे तो आजकल बेहतर तो ये रहेगा कि आप कोई भी सब्जेक्ट उठाइए और उसका वीडियो देख लीजिए, हजारों वीडियो आज के समय हैं, और जो वीडियो आपको अच्छा लगता है उसको डाउनलोड कीजिए और उसको सुना दीजिए 200 आदमियों को, 300 आदमियों को, 500 आदमियों को। मगर आयोजक का एक लालच रहता है, आयोजक अपना नाम करना चाहता है, वो नाम उसे काम आएगा कहीं MLA के लिए, कहीं काउंसलर के लिए, कहीं MP के लिए, कहीं कुछ बनने के लिए, कहीं समाज में इज्जत के लिए, इसलिए वो आयोजन करता है। आयोजन करना खराब नहीं है, आयोजन करना अच्छा है, मगर आयोजन का अगर उद्देश्य खराब हो तो फिर आयोजन खराब हो जाता है। पहले तो थोड़ा सा यूट्यूब नहीं थे, वीडियो नहीं थी, कैसेट नहीं थी, ऑडियो नहीं थी, मोबाइल नहीं थे, तो अपनी बात कहने के लिए लोगों को इकट्ठा करना पड़ता था और वहाँ लोग आके अपनी अपनी बात कहते थे, उस बात में अच्छे भी स्पीकर होते थे, ख़राब भी स्पीकर होते थे, तो चल जाता था। मगर अब ऐसी मजबूरी नहीं है, अब आप अच्छी अच्छी बातें YouTube पर सुन सकते हैं, आप किसी भी जो जानकार लोग हैं उनसे कह सकते हैं, बहुत सारी जूम की मीटिंग पर डिबेट हैं उनको रिकॉर्ड करके चला सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं और सीख कर खुद भी वक्ता बन सकते हैं। दरअसल आपको खुद एक अच्छा वक्ता बनना चाहिए, उन सबसे सीख के बोलना चाहिए और बताना चाहिए, क्योंकि जो वक्ता एक आता है वो अपने हिसाब से बोलता है, उसको भी कहीं राज्यसभा की सीट चाहिए,
उसको भी कहीं एमएलए का टिकट चाहिए, उसको भी कहीं कौन सा का टिकट चाहिए, तो आपको नहीं पता चल पाता, मगर वो जो बोलता है वो इतना नपातुला बोलता है कि उसको उस बोलने का इस्तेमाल कहाँ करना है ये आपकी जानकारी में नहीं रहता। वो आपकी ऑडियो वीडियो को लेके उस व्यक्ति तक भेजता है कि देखो मैंने तुम्हारे फेवर में ये बात कही और मैंने उसके अगेंस्ट में उसके विरुद्ध ये बात कही, मैं आपके लिए पूरा पूरा लॉयल हूँ, पूरा विश्वासी हूँ और मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, आप मुझे अब कुछ बख्शीश दे दीजिए, कुछ कृपा कर दीजिए, कोई राज्यसभा की टिकट दे दीजिए, कोई एमएलए की टिकट दीजिए, कोई मुझे समिति का चेयरमैन बनाइए, कहीं कुछ ना कुछ दीजिए। तो इसलिए जो सामाजिक बात है, जो सामाजिक तरह के जो वक्ता होते हैं उनको जानने और पहचानने के लिए आयोजक को एक कमेटी बनानी चाहिए। उस कमेटी में ये तय होना चाहिए कि आप दरअसल आयोजक होने के नाते अपने दर्शकों को देना क्या चाहते हैं, वहाँ के लोगों को क्या देना चाहते हैं, और फिर आप सर्च कीजिए कि कौन व्यक्ति उस पैमाने पे सही उतरता है, फिर उससे टाइम लीजिए और उस टाइम के अकॉर्डिंग आप प्रोग्राम को रखिए, ताकि आपने जो पैसा लोगों से लिया है उस पैसे का लोगों को भरपूर फायदा हो सके, फिर आपका नाम भी अच्छा होगा और जो वक्ता आएगा उसके जो कीमत है उसके वक्त की वो भी ठीक हो जाएगी, क्योंकि जो वक्ता आते हैं जानकार होते हैं उनके वक्त की कीमत ज़्यादा होती है, अगर वो आते हैं तो पब्लिक को फ़ायदा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें ध्यान रख के, वैसे तो ऑल इंडिया की एक कमेटी होनी चाहिए जिसमें वक्ताओं का लेबल होना चाहिए, वी द पीपल, हम कोशिश करेंगे कि पूरे भारत की वक्ताओं की एक लिस्ट हम बना दें जिसमें हम ये बताएं कि ये वक्ता इस तरह का है, ये स्पीकर इस तरह का है, ये बुलारा इस तरह का है, इससे ये मिलेगा, इससे ये मिलेगा, आपको अगर बुलारा चाहिए तो इनमें से बुलाइए, उनकी रेटिंग भी बना देंगे। ऐसा हम प्रस्ताव एक कमेटी में लेकर आएंगे, अगर बात हमारी चली और मानी पूरे समर संघ ने, तो हो सकता है कि आपको आने वाले समय में वक्ताओं की एक लिस्ट मिल जाए कि कौन सा वक्ता कौन सा स्पीकर आपने बुलाना है, फिर आपको एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ेगी, अच्छा रहेगा, ताकि लोगों का फायदा हो आपका फायदा हो। धन्यवाद। Singam Sirunam Gacchami.